हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू टू सूर्या क्लासेस। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर एंड टोकन इन लियू ऑफ सच गिफ्ट। क्या होता है कि कभी कभी गिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है, अपने एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट प्रोवाइड करता है। गिफ्ट कब प्रोवाइड करता है? कोई ओकेजन होगा, कोई सेरेमनी होगी, जैसे मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज, इस समय जो एक फंक्शन होते हैं उस समय अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के किसी हाउसहोल्ड मेंबर को गिफ्ट प्रोवाइड करता है, या गिफ्ट के जगह वाउचर प्रोवाइड कर दे या टोकन प्रोवाइड कर दे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी उस समय। और एक गिफ्ट हमारा जो है हो सकता है इन कैश या इस काइंड, दोनों हो सकता है। ठीक, गिफ्ट हमारा इन कैश और इन काइंड दोनों हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया, पहला पॉइंट बता रहा है द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट या वाउचर और टोकन इन लियू ऑफ विच सच गिफ्ट। गिफ्ट हो सकता है या वाउचर दिया जा सकता है गिफ्ट के बदले, या टोकन दिया जा सकता है गिफ्ट के बदले। मे बी रिसीव्ड बाई द एम्प्लॉई, या एम्प्लॉय को दिया जा सकता है, या बाई मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, या किसी मेंबर और हाउस होल्ड मेंबर को दिया जा सकता है एम्प्लॉय के, ऑन सेरेमोनियल ओकेजन और अदरवाइज। सेरेमोनियल ओकेजन पर दिया जा सकता है या उसके अलावा भी दिया जा सकता है गिफ्ट। ठीक, फ्रॉम द एम्प्लॉयर शैल बी डिटरमाइंड एट द सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट। तो वैल्यू ऑफ परफ्यूजर्स क्या हो जाएगा? जितने रुपये की गिफ्ट दी गई होगी एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, उतने रुपये की वैल्यू ऑफ परफ्यूजर्स मान ली जाती है। ओके, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। सपोज करिए एक सेरेमोनियल ओकेजन पर या बर्थडे पर या मैरिज एनिवर्सरी पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के किसी हाउस मेंबर को गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, या गिफ्ट के बदले में वाउचर या टोकन दे रहा है, तो उसकी वैल्यू वही होगी जितने रुपए की कॉस्ट एम्प्लॉयर को पड़ी होगी। ओके, लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन बताया जा रहा है। एक्सेप्शन क्या है? हाउएवर, इफ द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट सच गिफ्ट वाउचर या टोकन एज द केस में बी इज बिलो रुपीज 500 in एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द वैल्यू ऑफ परक्यूज शैल बी टेकन एज नीड। अच्छा, इसका मतलब क्या कि जितने रुपये की गिफ्ट प्रोवाइड की जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को, और उसकी वैल्यू अगर एम्प्लॉय के हैंड में 5,000 रुपये से कम आती है, बिलो रुपीज 500 यानी 5,000 रुपये हो जाएगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक, और अगर कहा गया 5,000 रुपये से बिलो रहती है 4,999 रुपीज, वो जो कि 5,000 रुपये से बिलो है, अगर 4,999 रुपये तक उस गिफ्ट की वैल्यू आती है एम्प्लॉय के हैंड में, तो उसे हम नो परफ्यूजर्स मानेंगे और वो टैक्सेबल परफ्यूजर्स नहीं कहा जाएगा। वो टैक्सेबल परफ्यूजर्स नहीं हो जाएगा, वो कहा जाएगा और उस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे यह गिफ्ट 5,000 रुपये या 5,000 रुपये से अधिक हो जाता है इन एग्रीगेट का मतलब है कि अगर दो बार उसे प्रीवियस ईयर 2018-19 में अगर एम्प्लॉयर ने एक बार अपने एम्प्लॉय को 2,000 रुपये का गिफ्ट दिया, एक बार 1,000 रुपये का गिफ्ट दिया, एक बार 1,500 रुपये का गिफ्ट दिया, और एक बार कितने रुपये का गिफ्ट दिया, 2,000 रुपये का गिफ्ट दे दिया, तो इन सभी को हम एग्रीगेट करके देखेंगे कि एक कितने बन रहे हैं, तो एक 6,500 रुपये हमारा आ रहा है, तो इस एग्रीगेट अमाउंट को हम देखेंगे। ठीक, एग्रीगेट अमाउंट को हम देखेंगे, तो कहा गया उस प्रीवियस ईयर 2018-19 में अगर बिलो 5,000 से कम क्या गिफ्ट दिया गया होगा एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय से, तो उसकी वैल्यू नील हो जाएगी, वो परफ्यूजर्स नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर वह वैल्यू इन एग्रीगेट 5,000 रुपये से अधिक हो जाएगा तो होल अमाउंट टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 5,000 रुपये का डिडक्शन देंगे, नहीं,
ये जो 6500 रुपये आया है ये होल अमाउंट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ परचेज कहा जाएगा, और ये पूरे अमाउंट पर हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे एम्प्लॉय के हैंड में। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, और आगे की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।